नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव। देखिए कितनी शानदार बात लिखी यहाँ पे, जमीन से जुड़े लोग अक्सर आसमान छू लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इनको जो है ये जो लोग थे जमीन से जुड़े हुए थे और उसी के कारण जो है आज इनको पूरा विश्व जानता है। जैसे कि आज की दृष्टि में आज उनको पढ़ रहे हैं हम, उनके बारे में जान रहे हैं, उनके लिए हम बहुत सारी चीज याद करते हैं, मतलब एग्जाम के लिए। तो सिंपल सी बात है, जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं वो आसमान छू लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जैसे देख सकते हैं, एक आपके सामने एक कंपनी का सीईओ खड़ा है और एक आपके सामने उसका जो है मतलब जो गेट कीपर खड़ा हुआ है। तो दोनों के लिए जो है आपके मन में इज्जत एक सी होनी चाहिए। आप उसके जो है पद या जो उसका ओहदा होता है उसके साथ आपको जो है उसकी वैल्यू को नहीं नापना है, उसके कर्म के अनुसार उसकी वैल्यू को नापना है। आप ऐसा करते रहोगे तो सिंपल सी बात है, आपके मन में इतनी खुशी मिलेगी, मतलब आप सबके लिए एक जैसा सोचना है। आपको किसी को ऐसा है पद के अनुसार आपको ओहदा नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों, आज 30 अप्रैल है और आज मॉर्निंग कैप्सूल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डे, करंट अफेयर्स, पीआईबी न्यूज, इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथ प्रैक्टिस, पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर और नए क्वेश्चन आपके लिए होंगे। आज थोड़ा कैप्सूल थोड़ा है जो लेट हो गई है कुछ कारणवश, तो कोई नहीं, आप एंजॉय कीजिए, लेट भी सही पर पढ़ लीजिए दिन में कभी भी। तो आप इस स्लाइड की यदि पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और फेसबुक के ग्रुप में भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे क्या रहेगा? आज का जो डे है हमारा विश्व पुस्तक डे, या फिर बोल सकते हैं हम कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे, जो मनाया जाता है प्रत्येक 23 अप्रैल को। तो ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। आज की डेट में आप देख सकते हैं मतलब क्या होता है, हम बचपन से लेके अंत तक जो है तो पढ़ाई से जुड़े होते हैं, पर आज की डेट में जो लोग हैं कंप्यूटर और इंटरनेट से बहुत अधिक जुड़ गए हैं। तो इसी कारण जो है पुस्तकों से जो है अलगाव, बोले तो उससे दूरी बढ़ती जा रही है सभी लोगों की, मतलब युग जो है आज का नेट का युग, इंटरनेट का, तो उसमें लोग फंसते जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो पुस्तक है उससे उसके बीच की जो दूरी है उससे बढ़ती जा रही है। उसी दूरी को पाटने के लिए, मतलब उस गैप को फिल करने के लिए यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मतलब उसी के कारण जो है प्रत्येक वर्ष विश्व में इस दिन को पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यूनाइटेड किंगडम की यदि बात करें तो जो है मार्च, मतलब जो यह दिन मार्च में पहले गुरुवार को मनाया जाता है, और 23 अप्रैल 1995 को पहली बार विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया गया था। अब बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में जो पुस्तक दिवस था उसकी जो थीम थी, मतलब विषय जिसे हम बोलते हैं, तो पढ़ना, पढ़ना क्या है, यह मेरा अधिकार है, ये इस बार का थीम था, मतलब विषय था इस बार का। नेक्स्ट बात क्या की जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके जो सुरक्षा पुरस्कार है उसका वितरण किया गया है 2017 के लिए। तो ये जो आयोजन किया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है, और यहीं पे जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो पुरस्कार है उसे प्रदान करने हेतु तो इस समारोह का आयोजन किया गया था। और ये जो है वर्ष 2017 के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया है। एनएससीआई सुरक्षा पुरस्कार जो है व्यवसायगत, जैसे हम देखें तो सुरक्षा, उससे संबंधित स्वास्थ्य एवं जो पर्यावरण के क्षेत्र में बेहद प्रतिष्ठित है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार है। और इन्हें संबंधित आकलन अवधियों के दौरान जो विनिर्माण है, मतलब निर्माण जो भी होता है, निर्माण एवं एमएसएमई, या तो इसे हम बोल सकते हैं माइक्रो मीडियम स्मॉल, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो ये जो होते हैं इस क्षेत्र में संगठनों द्वारा प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा, उत्कृष्ट सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रदर्शन करने के लिए इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों का जो आकलन है किसके द्वारा किया जाता है, इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष जो भारत सरकार उसके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो गठित एक समिति होती है, स्वायत्त शासी मतलब ऑटोनोमस जो सोसाइटी होती है उसकी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इसके जो है घोषणा की जाती है। अब जैसे हम देखें तो उत्पादन निर्माण वह हम बोल सकते हैं सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, श्रेष्ठ सुरक्षा और सुरक्षा पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित किया जाता है। मजदूरों की सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले संस्थानों को राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है उसमें विभिन्न सुरक्षा पुरस्कारों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल टूरिज्म की। तो जैसे कि टूरिज्म, आपको पता है टूरिज्म मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, तो घूमने के लिए हम जाते हैं नॉर्मली तो हम उसे बोलते हैं टूरिज्म। यदि मेडिकल उसमें जुड़ जाए तो मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सा। तो नॉर्मली हम क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर इलाज के लिए, मतलब चिकित्सा के लिए एक जगह से दूसरी जगह यदि घूमने के लिए जाएं तो उसे उसी को बोला जाता है मेडिकल टूरिज्म, मतलब जिसे हम बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, चिकित्सा पर्यटन।
तो जब लोग चिकित्सीय उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो उसी को बोला जाता है चिकित्सकीय पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब लोग अपने देश में, कम विकसित देश था, जो निम्न विकसित देश थे उससे जो उच्च विकसित देश है मतलब डेवलप्ड कंट्री है उसकी तरफ जाते थे चिकित्सा केंद्रों में, खुद के देश में जो सुविधा उपलब्ध नहीं रहती थी उसके कारण जाते थे मतलब इलाज करवाने के लिए। परंतु अभी की दृष्टि से यदि देखें तो उच्च विकसित देश भी क्या करते हैं, सस्ते इलाज के लिए कुछ सी थर्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्री है, तीसरी दुनिया की देश, उनमें यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता होने के अलावा जो है उनके देश में जो साधन है उसका अनुपलब्ध होना और या अवैध होना, गलत होना, इसी के कारण क्या होता है, लोग अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में क्या करते हैं, टूरिज्म करते हैं। किस लिए? चिकित्सा के लिए। तो जैसे भारत की यदि बात करें तो भारत में जो चिकित्सा पर्यटन है एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है, और थाईलैंड फर्स्ट नंबर पे है मतलब टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए, और भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है, चिकित्सा पर्यटन स्थल बन रहा है ये। और ये भारत के अंतर्गत हम देखें, तमिलनाडु के अंतर्गत चेन्नई शहर है, तो भारत में आने वाले जो 45% विदेशी स्वास्थ्य पर्यटक है वो 40% घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करता है, इसलिए चेन्नई को क्या कहा जाता है, भारत का स्वास्थ्य शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जैसे बात करें ऑक्सीटोसन की, तो ऑक्सीटोसन आपको पता होगा ये एक प्रकार का जो है क्षमता बढ़ाने, मतलब एक प्रकार से गायों की क्षमता बढ़ाने, या फिर जो होता है हम जैसे दूध की जो क्षमता, मतलब जो गाय, दुधारू गाय होती है उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि ये बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑक्सीटोसन जो उसके रूप है उसके उत्पादन को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के घरेलू उपयोग तक ही सीमित कर दिया, मतलब इस पे जो आयात है, इंपोर्ट होता है, उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जो है इस दवा का जो गुप्त रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की जा रही है, और व्यापक रूप से इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा था। इससे क्या होता है, मनुष्य और जो पशु है उनके लिए बहुत हानिकारक है। और ये ऑक्सीटोसन एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या होता है, मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मतलब जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, इससे स्रावित होता है और मनुष्य के जो व्यवहार है उस पर जो गलत प्रभाव पड़ता है ये ऑक्सीटोसन के कारण ही होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, एक प्रकार से प्यारा हार्मोन या आनंद हार्मोन भी इस नाम से इसे जाना जाता है। ऑक्सीटोसन के दुरुपयोग के कारण ही जो दुधारू पशु है उनके बांझपन की जैसे समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये बहुत जो है मतलब शुरू में तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा है पर बाद में इसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। बात करते हैं बिम्सटेक की, तो बिम्सटेक जैसे बात करें हम तो शुरुआत में इसमें कितनी कंट्री थी, 4 कंट्री थी। तो आज की डेट में इसमें देखें तो और कंट्री इसमें जुड़ती गई है। तो जैसे कि बात करें शुरुआत में जो थी 4 कंट्री कौन कौन सी थी, भारत है, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो पहले इसका नाम क्या था, विस्ट एक था, पर अभी वर्तमान में इसका नाम हो गया बिम्सटेक। तो बिम्सटेक का फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना जो है 1997 में हुई थी, और ये जो संगठन है इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में देखें तो भारत है, भारत के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज के अंतर्गत शामिल है। और जैसे कि बात करें इसका जो कार्यालय मतलब हेडक्वार्टर इसका जो है ढाका, मतलब बांग्लादेश के अंतर्गत ढाका में है। और यहाँ जैसे देखें हम मूल रूप से जो है एक सहयोगात्मक संगठन है जो कि क्या करता है, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, इसके अलावा यदि बात करें तो परिवहन, प्रौद्योगिकी, ये सभी जो 6 क्षेत्र है इसका आधार बनाकर सज्जित किया गया था। पर वर्तमान की यदि बात करें तो कृषि, गरीबी उन्मूलन, इसके अलावा देखें आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को जो भी इसमें शामिल किया गया है, मतलब अभी और अपग्रेड कर दिया गया है। अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पर्सन की, तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, जो सिखों के गुरु है, 8वें गुरु, गुरु हरकिशन जी, ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो जैसे कि यहाँ बात करें तो इसके पहले कौन थे, गुरु हर राय थे। तो गुरु हर राय जो थे ये अपनी मृत्यु के पहले ही क्या कर दिया था, इन्होंने अपने बड़े बेटे की अपेक्षा इन्होंने जो छोटे बेटे थे गुरु हरकिशन जी जो है गुरुगद्दी दे दी थी। तो इनको जो गुरुगद्दी दी थी इन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ही दे दी थी। तो जैसे कि इनके बारे में देखते थे, इनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1656 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है 30 मार्च 1664 में, और ये 8वें गुरु थे, मतलब गुरु हर राय के बाद ये 7वें गुरु के बाद 8वें गुरु थे। और इन्होंने जो गुरुगद्दी संभाली थी 6 अक्टूबर 1661 को संभाली थी, और ये कब तक बने रहे, 1664 तक, मतलब मात्र 3 साल ये गुरु पद पर रहे। और ये क्या थे, बहुत ज्ञानी थे, और हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता के ज्ञान से अपने पास आने वाले जो ब्राह्मण को है वो चमत्कारित कर देते थे। तो इसी से जो है घृणित होकर, मतलब जो जहांगीर, सॉरी ये औरंगजेब था, तो औरंगजेब ने क्या कहा, इसको दिल्ली बुलाया,
तो वहां उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए दिल्ली बुलाया है। उसी समय क्या हुआ था, दिल्ली गए वो और दिल्ली पहुंचे तो वहां देखा उन्होंने हैजे और महामारी की बीमारी फैली हुई थी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अभियान चलाया, मतलब उसको दूर करने के लिए। तो उसकी सेवा करते करते, मतलब उन लोगों की सेवा करते करते क्या हुआ, ये स्वयं जो है इनके शरीर में चेचक निकल आई और बहुत ग्रसित हो गया। और ग्रसित होने के कारण ही क्या हुआ, ये 30 मार्च सन 1664 में मतलब इनकी मृत्यु हो गई। पर मृत्यु होने के पहले इनके मुंह से क्या निकला, बाबा वकाले, मतलब क्या बोला गया था, जो बकाला नाम का एक गांव था वहां ये जनता को उन्होंने सूचित किया कि आपका जो अगला गुरु मिलेगा, मतलब इसके बाद जो गुरु रहेंगे हमारे गुरु तेग बहादुर जी, वो गुरु की खोज करने के लिए आप वहां जाओ। इनके मन मतलब इनके दिमाग से ये जो शब्द निकले थे मुंह से, वो ये सूचित करते थे कि इस गांव में आपके जो है नेक्स्ट गुरु वो मिलेंगे। और अपने अंत समय में गुरु साहेब ने सभी लोगों को निर्देश दिया कि कोई भी उनकी मृत्यु पर रोएगा नहीं, बल्कि गुरुवाणी में लिखे जो शब्दों है उनको गाया जाएगा। तो ऐसा ही इनके द्वारा निर्देश दिया गया था। आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हमको क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की यदि बात करें हम, तो मल्टी मतलब सिंगल सिंगल मतलब जो कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर एक सिंगल सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोल। अब ये जो सिस्टम होते हैं एक ही जगह उपलब्ध नहीं रहते, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक ही जगह उपलब्ध है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया जो नेटवर्क है उसको हम लैन बोलते हैं। तो लैन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलेंगे, यदि वो अलग अलग जगह पे है तो उसको हम बोलेंगे बैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसे बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क के बाद मिडिल वेयर होता है, मतलब जिससे कनेक्टिविटी होती है, और एक एप्लीकेशन होता है मतलब जिसके द्वारा उसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके बारे में देखें तो जैसे अनेक कंप्यूटर जो स्वतंत्र होते हैं वो आपस में जोड़कर एक सिंगल सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हमने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जरूरी नहीं कि वो एक ही जगह कनेक्ट हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब लैन हो सकता है और बैन भी हो सकता है। तीन प्रकार के एलिमेंट होते हैं इसमें, नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है और मिडिल वेयर होता है। तो इन तीनों चीजों के द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलिए मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत देखना हमको एक कंट्री, तो आज हम देखने वाले हैं तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान देख सकते हैं आप, हमारा ये प्यारा भारत, और यहाँ से हम चले पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान। तो इसके बारे में देखते हैं, तो इसके मैप को बड़ा करके देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, और इसके अलावा जैसे देखें तो इसकी राजधानी जो है आसकाबाद है, तुर्कमेन इसकी राजभाषा है। या इसके राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो गुरबान गुले बर्दी मुचा मेदो इसके राष्ट्रपति है, और तुर्कमेन नया मनात यहाँ की मुद्रा है। तुर्कमेनिस्तान जो है तुर्कमेनिया नाम से भी जाना जाता है, और मध्य एशिया में स्थित एक तुर्की देश भी है। 1991 तक तुर्कमेन जो है सोवियत समाज गणराज मतलब SSR के रूप में यह सोवियत संघ का एक घटक गणतंत्र था। और इसकी जो सीमा हमने देखे अफगानिस्तान से मिलती है, ईरान से मिलती है, उसके बाद उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये चार कंट्री। इसके अलावा देखे तो कैस्पियन सागर, यहाँ आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर से भी अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। पिछले डे के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, भारतीय विधि आयोग के संबंध में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा असत्य की बात की जा रही थी। तो यहाँ देखते हैं जैसे यह एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक नहीं है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब गैर संवैधानिक संस्था है, तो ये गलत हो गया हमारा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रथम विधि आयोग की जो गठन है लॉर्ड मेकाली की अध्यक्षता में, ये राइट है। उसके बाद देखें भारत में जो अब तक है 15 विधि आयोग का गठन किया, ये भी गलत है, क्योंकि अभी तक जो है 21वां विधि आयोग का गठन किया जा चुका है। तो जैसे कि यहाँ देखें तो दूसरा नंबर हमारा राइट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो रॉन्ग है। तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, सी नंबर का, मतलब फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है। उसके बाद देखें जैसे इसके बारे में, तो जो एक प्रकार का गैर विधि निकाय है जो कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के करीबी समन्वय में था तथा उसके सामान्य निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में जो प्रथम विधि आयोग उसका हमने देख लिए लॉर्ड मेकाली की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1834 में स्थापित किया गया था। और 1955 में क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल श्री एम सी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और जो 3 वर्षीय कार्यकाल वाले जो है 21 विधि आयोग का गठन किया जा चुका अब तक। 15 मार्च 2016 क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है न्यायमूर्ति डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में 21वें विधि आयोग की नियुक्ति की। और जो इसका जो कार्यकाल रहेगा 1 सितंबर 2015 से 31 अगस्त 2018 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अटल टिंकरिंग लैब जो है इसके संबंध में जो पहल है, संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो जैसे कि यहाँ देखें इस पहल की जो शुरुआत हुई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये रॉन्ग है। उसके बाद देखें इसके तहत जो है लैब में कृषि से संबंधित रिसर्च को किसानों तक पहुंचाया जाएगा, ये भी रॉन्ग है। तो जैसे कि यहाँ देखें हम, तो ना तो
एक है और ना ही दो, मतलब डी नंबर का हमारा आंसर होगा। तो यहाँ जैसे इसके बारे में देखें, नीति आयोग के द्वारा पहले ही एक प्रमुख कार्यक्रम है अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम AIM बोलते हैं। इसके हिस्से के रूप में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज नामक पहल की शुरुआत की है। और सेकंड क्या है, जैसे माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा करांग द्वीप को जो है देश का पहला कैशलेस द्वीप घोषित किया गया है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर क्या है, मणिपुर के अंतर्गत है। तो जैसे कि इसके बारे में देखें हम, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो करांग द्वीप है, मतलब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मणिपुर में करांग द्वीप देश का पहला कैशलेस द्वीप घोषित किया गया है। करांग द्वीप जो है मणिपुर में स्थित एक छोटा सा झील द्वीप है, जो कि लोकटक झील के मध्य स्थित है। करांग द्वीप का एक दूर दराज और पिछड़ा इलाका है, जो कि लंबे समय से उग्रवाद से ग्रसित रहा है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए जो है हेपेटाइटिस बी के संबंध में कथन आपको बताना है, कौन से कथन सत्य है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, तो इन तीनों में से आपको यहाँ राइट आंसर सेलेक्ट करना है। फिर देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। इन तीनों का आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स या तो फेसबुक में जहाँ वीडियो शेयर होता है वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जितना अधिक हो सके शेयर कर दिया करो, ताकि सबका फायदा होता चले। और पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।